भाजपा नेता के नाम भूमिहीन का पट्टा कासगंज। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में सत्ताधारी नेताओं के आगे जिला प्रशासन बेबस और नतमस्तक हो गया है। जीता जागता परिणाम भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा पूर्व विधायक गोवर्धन सिंह के पुत्र का देखने को मिला। ग्रामसभा की जमीन पर 29 साल से कब्जा किए गए बरखुरदारपुर के ग्रामीणों को सत्ता के दबाव में खदेड़ कर जिला प्रशासन ने कब्जा करा दिया। जब इस मामले में सदर SDM से बात की गई, तो उन्होंने इस खाली कराकर कब्जा दिलाए जाने का आदेश जिलाधिकारी RP सिंह का बताया। ग्रामसभा की जमीन का पट्टा भूमिहीन को दिया जाता है। सवाल उठाया गया है कि क्या पूर्व विधायक का पुत्र भूमिहीन और गरीब है? वैसे आज इस जमीन की कीमत करोड़ों में है। ग्राम प्रधान ने कहा, कब्जा नाजायज। भाजपा नेता ने 29 वर्ष पुराना पट्टा ढोलना थाना क्षेत्र के गांव हरसिंहपुर ग्राम पंचायत में करा लिया था। इस जमीन पर बरखुरदारपुर के ग्रामीण अपना कब्जा किए हुए थे। आज प्रशासन ने इस जमीन को मुक्त कराने के लिए पहुंच गया। कब्जा करने वाला नेता पूर्व विधायक गोवर्धन सिंह का बेटा और पूर्व जिला संयोजक और विधानसभा सदर प्रत्याशी रहे BJP नेता महेंद्र सिंह राणा है। जब हमने GS की जमीन के जिम्मेदार हरसिंहपुर के ग्राम प्रधान पन्नालाल से बात की, तो उन्होंने बताया कि महेंद्र राणा सत्ता की दम पर ग्रामसभा की जमीन पर नाजायज कब्जा कर रहे हैं, जबकि वे ढोलना के मूल निवासी हैं। 29 साल पूर्व हुआ था पट्टा। BJP नेता महेंद्र सिंह राणा का कहना है कि 29 वर्ष पूर्व ग्रामसभा की 5 बीघा जमीन का पट्टा उनके नाम हुआ था। खाली पड़ी ग्रामसभा की जमीन का उपयोग बरखुरदारपुर के लोग कर रहे थे। बीते दिन जिलाधिकारी के आदेश पर सदर SDM सुनील कुमार सिंह, सदर CO गवेंद्र पाल और मामला ऐसा, बड़े आदमी है, BJP की सरकार है और गुंडागर्दी के बल पे अधिकारी भी उनके दबाव में है और गुंडागर्दी के बल पे जो है गुंडागर्दी से कब्जा कर रहे हैं उस जगह पे। ये ढोलना के रहने वाले हैं, विधायक गोवर्धन सिंह के लड़के हैं और उन्होंने पट्टा करा लिया और पट्टा करा के, जबकि ढोलना के रहने वाले ग्राम पंचायत हरसिंहपुर सरोली की जमीन है, इनका पट्टा नाजायज हुआ है। पट्टा इनका खारिज होना चाहिए, ये अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं हमारी जगह पे। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की अनदेखी बल पर कर रहे हैं या किस तरीके से? सरकार भी उनका सहयोग कर रही है, सरकार हम लोगों को थोड़ी पूछ रही है। सरकार तो अपनी उनके ही भैया दबंगी की वजह से आ रही है सरकार और कर रही है अपने। तो लगता है कहीं ना कहीं भाजपा के लोग ही जो गुंडागर्दी को उतारू है। हाँ, भाजपा के लोग हैं, ये भाजपा के हैं। ये किनके पुत्र हैं, किस तरीके से पट्टा मिला? ये गोवर्धन सिंह के पुत्र हैं, महेंद्र सिंह राणा पूर्व विधायक थे पहले, उनके लड़के हैं और वो अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं हमारे यहाँ के। कासगंज में रहते हैं अब। अब कासगंज और ढोलना कितना अंतर है? मेरे ग्राम पंचायत हरसिंहपुर सरोली है, इनका तो पट्टा ही ना जा जाए मेरे यहाँ। मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय के स्पष्ट आदेश से जिसके तहत ये सब कार्रवाई की गई है। लगता है कहीं ना कहीं राजस्व टीम का इसमें कुछ ना कुछ मामला प्रकाश में आया है कि उन्होंने किसी तरीके से गोलमाल किया है। नहीं, अगर ऐसा किया है, अगर आप लोग तथ्य प्रकाश में लाते हैं तो उसकी जांच कराई जाएगी और जांच के बाद में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।